मैं हूँ सरिता राव। आप सभी का स्वागत है स्पिन न्यूज में। काफी लंबे समय से विवादों में चल रही फिल्म केदारनाथ आज पर्दे पर रिलीज हो गई और इस फिल्म को लेकर के दर्शकों की क्या राय देखिए इस रिपोर्ट में। वहीं आपको बता दें, इससे पहले इस फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दायर की गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खत्म कर दिया और साथ ही इस फिल्म को हरी झंडी दे दी। देखिए पब्लिक का क्या कहना है इस फिल्म को लेकर के, जो पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। वेरी गुड, आई मस्ट कमेंट सारा अली खान्स एक्टिंग, अमेजिंग। आई मीन सुशांत वाज गुड, बट आई मीन सारा स्टील्स द शो। आई मीन यू नो फर्स्ट वेरी फर्स्ट फिल्म एंड आई मीन सो वार्म, सो मच ऑफ वार्म्थ। आई थिंक शी इज हेडेड अ लॉन्ग वे। Yes, I would, especially for, you know, Sara Ali Khan's acting, which has been unique. The film is also good, you know, they have kept it tight. They have kept it up to 2 hours, which was good. And yeah, I would give it almost 4.5 stars out of 5. Thank you. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और सारा तो बहुत अच्छी कर रही है। आपको अच्छी लगी सारा की? बहुत बहुत अच्छी। और सुशांत सिंह राजपूत भी है, तो उनके बारे में जरा बताइए, उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी भी अच्छी है, लेकिन सारा खा गई उसे। खा गई किसे? सुशांत को। ओके, तो एक्टिंग में ओवरऑल अगर मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन कितना नॉलेज रखता है आपको, कितना बांध कर रखा है नेक्स्ट? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ कहना चाहिए? अच्छी करी उसने भी, लेकिन सारा बहुत अच्छी लगी। कोई गाना पसंद है आपको? गाना सिर्फ दो ही गाने हैं उसके अंदर, एक वो तीत का और वो स्वीट हार्ट वाला। ओके ओके, कितने स्टार दोगे आप? 5 में से? पूरे 5 दूंगी मैं, वो भी सारा की वजह से। सारा की वजह से। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड लक। यार केदारनाथ यहाँ रुकते नहीं है? केदारनाथ अच्छी थी सर, अच्छी थी सर, इट वाज गुड, इट वाज गुड। What about Sara Ali Khan's debut movie? Are you like the movie? I loved the movie. As far as Sara Ali Khan is concerned, I think for the industry, she is like a gift. She will going to take the industry by storm because, you know, it's 7th of December today. By the time people will going to get over with this effect, 28th of December, Simba will going to release another movie of Sara Ali Khan. So I think in new age actors, whatever new actors have come in, like if you talk about Sanya Marutra or Janhvi Kapoor. No, you like Sushant Singh Rajput acting? Superb. I mean, Sushant Singh Rajput and Abhishek Kapoor as a duo, I mean, Kai Poche, like 5 years back, they did excellent. And similarly, this is what you can exactly even see in this particular movie as well, that Sushant Singh is able to bring that raw acting, so very good. Any story language, how is Kedarnath's Pralay come from? What do you say? Look, when I came to watch the movie, I thought that morally, it will be a focus on the tragedy and the disaster which happened. But I think the movie is more about the love story. मगर उसे बहुत अच्छा होल्ड किया है। जनरली यू नो एवरी सेकंड मूवी इज अ लव स्टोरी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विद समथिंग न्यू, बट इन दिस वन दे हैव बीन एबल टू होल्ड इट वेरी वेल। एंड आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू सारा अली खान फॉर बीइंग इवन इन द फर्स्ट मूवी शी हैज बीन एबल टू वेरी वेल। एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? नो, नॉट एनी सच इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, बट यू नो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द जेस्ट ऑफ द लव स्टोरी, इट्स प्रीटी इमोशनल एंड वेरी रियलिस्टिक। आउट ऑफ 5 स्टार? 3.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, लाजवाब फिल्म है। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी हिंदी फिल्म देखने को मिली है। इट्स अ कम डेब्यू मूवी है, तो उनके एक्टिंग के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है और एकदम रिमाइंड करती हैं वो अमृता सिंह के बारे में, और जिस तरह का उनका रोल है उस तरह की उनकी खुद की पर्सनालिटी है, क्योंकि वो एक जैसी है, तो बहुत अच्छी लगी है। स्टोरी में कितना दम है आपके अनुसार की? बहुत 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 अच्छी फिल्म, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कम्प्लीट हिंदी फिल्म जिसके अंदर कम्प्लीट अच्छा म्यूजिक, और आई रियली विश एंड शी इज़ अ स्टार बॉर्न। सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छा, बहुत ही जिसको कहते हैं रिलायबल एक्टर बन गए हैं वो, बहुत रियल लगते हैं। जो एक लोअर मिडिल क्लास एक वर्कर की जो भूमिका उन्होंने निभाई है, उनका फेस बहुत ही ऑनेस्ट फेस है, और उस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर में जान डाल दी है। आई थिंक द स्पेशल इफेक्ट्स आर अ लिटिल नॉट सो रियल, except for that I wish they were a little better than that, otherwise the movie is amazing. I would recommend it. 5 out of 5. Out of 5? 5 ha 5 mein se kitna? 5 mein se 5. Main samajhta hu ye picture har aadmi ko dekhni chahiye, khaas taur pe aaj ke context mein, because ye hindu muslim ka jo issue chal raha hai usko ye bahut achhi tarah tackle karti hai film. I really recommend this, people should watch this for the times that we are living in. Jis tarah ki political environment bani hui hai, ye ek tamasha hai आज के इस दौर में, और आई एम श्योर दैट मैक्सिमम पीपल शुड वॉच दिस फिल्म। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये केदारनाथ?
बहुत अच्छी मूवी है, हर चीज़ अच्छे से दिखाई गई है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी, सॉन्ग्स आर एप्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एंड एवरीबडी शुड वॉच इट. सारा हैज सेट अ लेवल आई थिंक टू द सैफ अली खान थिंग एंड बहुत अच्छा डांस एक्टिंग एक्सप्रेशन डायलॉग एवरीथिंग परफेक्ट शी सेट अ लेवल. आप क्या बोल रहे सर, आप बंक करके आए लेक्चर? और रो रहे थे हम बहुत. तू रो रही थी? क्यों रो रहे थे आप, किस बात को लेकर रो रहे थे आप? बहुत टचिंग मूवी है और एंड में काफी टच कर गया हार्ट को, तो बस वी नॉट डिस्क्लोज फॉर द वंस यू व्यूइंग दिस इंटरव्यू, बट एक्चुअली द क्लाइमैक्स, या बट वी वुड मस्ट. एंड सुशांत सिंह राजपूत के वो तो है ही ग्रेट, उनकी एक्टिंग आपको पसंद है? लाजवाब. ओके, तो स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं कि कितना स्ट्रांग था डायरेक्शन कि हां नेक्स्ट क्या होने वाला है? इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा धीरे था, इंटरव्यू के बाद तो बहुत इन्वॉल्विंग हो गई थी. इंटरमिशन इंटरमिशन शिट. एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? नमो नमो टच्ड आवर हार्ट्स लाइक एट लीस्ट माइन. सो डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी? रिटर्न डबल पैसा, दो बार देखो. ओ दो दो, पांच में से कितना देंगे आप? चार. आप 5.5 आउट ऑफ 4.5? 4.5. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. केदारनाथ गुड शो, वन टाइम वॉच में भी वेरी गुड. डेब्यू क्या पता नहीं चल रहा है, डेब्यू है, डॉटर ऑफ सैफ अली खान, तो सैफ अली खान इज ए ग्रेट एक्टर, ब्लड में है, तो पता नहीं चला डेब्यू है, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. एक्टिंग इज ऑलवेज गुड, एम एस धोनी के बाद इट्स ए बिग हिट, इट्स गोइंग टू बी बिग हिट. डायरेक्शन और सॉन्ग्स की बात करें तो उसमें क्या सर? सॉन्ग्स माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा, दो तीन सॉन्ग है, खास करके स्वीटहार्ट वो वाला गाना अच्छा लगा सबसे. डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी आपके लिए? या पैसा वसूल वन टाइम वॉच मूवी है, प्लीज देखिए आगे. आउट ऑफ 5? इट्स 4. आउट ऑफ 4. थैंक यू. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी फिल्म सारा, ऑसम गुड. पूरी फिल्म में सारा अली खान ही दिख रही हैं, एंड दूसरी बात की जाए तो फिल्म के क्लाइमेक्स बहुत अच्छे हैं, इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, साउंड्स अच्छे हैं, इसको जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी जिसके जो एक तरीके से जो दर्शाना था वो अच्छा दिखाया लास्ट के. और फिल्म सुशांत तो ऑसम, अच्छा लगा उसका भी, उनका भी एक्टिंग मतलब काफ़ी हद तक अच्छा लगा, बस सारा पूरी फिल्म में सारा ही दिख रही है. स्टोरी में देखा जाए, स्टोरी में दम बिल्कुल था, बट जो इस तरीके से अगर ये और भी अच्छे तरीके से मतलब अभिषेक कपूर जी ने मतलब और चाहते और अच्छे से इसमें दर्शा सकते थे, फिल्माने में थोड़ा सा इसमें कहीं थोड़ा बस थोड़ा मुझे कम लगा. क्या कम लगा आपके अनुसार? कम ये लगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी जो प्रलय आया और ये सब चीज़ें जो तो प्यार और जो भी कुछ दिखाया मतलब ये काफ़ी जो थीम था मेन बेसिक जो इसका बेस था फिल्म का वो काफ़ी डिले रहा. आउट ऑफ 5 to 4. बहुत अच्छी मूवी है, वेरी ब्यूटीफुली अडॉप्टेड एंड स्पेशली आई रियली लव द स्क्रीन प्ले, बहुत बेहतरीन मूवी है. सारा अली खान की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी एक्टिंग कितनी पसंद आई? फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एक्टिंग वाइज, आई फेल्ट इट वाज लिटिल काइंड ऑफ ओवर एक्टिंग, बट सेकंड हाफ शी डिड इट वेल, स्पेशली द इमोशनल पार्ट वाज गुड. सुशांत सिंह राजपूत, ही इज ऑब्वियसली इज अ गुड एक्टर, सो नो डाउट अबाउट इट. एंड स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो कितना स्ट्रॉन्ग था आपके लिए? डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको? I felt it was little more, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर दिखाया गया, but otherwise it was directed very well. But I felt it was little too much. मतलब more. Chemistry is very good, very nice chemistry. Okay, after watching this, what do you want to say about Sara and Janvi? Okay, I think दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन अदाकारा है. जानवी इज़ गुड इन हर प्लेस एंड सारा इज़ गुड इन हर प्लेस. But if it's about choosing, then I guess Janvi is like better. Any song you like in the movie? Sweetheart is nice. Yeah, that's a little bit peppy. That's so good. Did you think it's a full paisa vasool movie? Aap return bhi aake dekhne wale? No, I don't think so. That I'll come for the next time. But one time watch. Out of 5 stars? 2.5, 3. 2.5. Thank you. Thank you. तो देखा आपने इस रिपोर्ट में हर एक शख्स ने सारा अली खान
और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी को सुपरहिट बताया, तो वहीं इस फिल्म को पर्दे पर सुपर डुपर हिट साबित होने के लिए लोगों ने हुकार भी भर दी। अब आने वाले समय में पता चले कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।